आप शक्तियां पा सकते हैं, पर सवाल यह है, क्या आप उसे संभाल पाएंगे? अगर बस इतना भी आपके सिस्टम को झटका लगता है, तो आप खून की उल्टियां करके मर जाएंगे। किसी भी शक्तिशाली स्थान के एंटी क्लॉकवाइज घूमना वास्तव में इसी बारे में है। मातो तिपिला में रास्ता घड़ी की उल्टी दिशा में बढ़ता है, तो यहाँ आने वाले सभी लोग घड़ी की उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। क्या इसका उन पर कोई नेगेटिव असर पड़ता है? तो मातो तिपिला के चारों ओर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना या परिक्रमा करना, जैसा कि हम ये कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इसका एक खास असर होता है। और हम किसी शक्तिशाली स्थान के चारों ओर घड़ी की उल्टी दिशा में जाने के लिए मना इसीलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है आपको शक्ति मिल जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे संभाल पाएंगे? अगर आपका सामना या आपका संपर्क ऐसी ऊर्जाओं से होता है, तो आप में खास स्थिरता होनी चाहिए, एक खास लेवल का स्थिरत्व होना चाहिए, नहीं तो सबसे पहले आपका सामना तरह तरह के भयंकर रूपों से होगा। आप देखेंगे कि तिब्बती बौद्ध धर्म भी ऐसे भयंकर रूपों की बात करता है जिनसे उनका अपनी साधना के दौरान सामना होगा। और भारतीय तांत्रिक विज्ञान भी उन भयंकर रूपों की बात करता है जिनसे आपका सामना होगा और कैसे आपको इससे जरा भी ठिठके बिना गुजरना पड़ता है। अगर आप जरा भी ठिठके, तो तांत्रिक कहानियों में हर कोई ये बताता है, अगर आपको जरा सा भी, यानी थोड़ा सा भी झटका अपने सिस्टम में लगता है, तो आप खून की उल्टी करते करते मर जाएंगे। हमेशा ये खतरा रहता है कि अगर आपने छिन्नमस्ता जैसा कोई भयानक रूप देखा और अगर आप ठिठक गए, तो आप खून की उल्टी करते करते मरेंगे। ये एक आम प्रचलित कहानी है। तो ऐसी विशुद्धि ऊर्जा के चारों ओर यू घूमना, जो कि शिव के गले का प्रतीक मानी जाती है, जो कि जमा हुए जहर का एक प्रतीक है, और अगर ये गलत दिशा में घूमी, तो खून की उल्टी होना एक स्वाभाविक नतीजा हो सकता है। मुझे नहीं मालूम अगर मूल अमेरिकी संस्कृति में ऐसी कहानियां या किंवदंतियां हैं जो असफल हो गए दवाई वाले आदमियों के बारे में ऐसी चीजों की बातें करती है, जो कुछ हासिल करने गए और वो खून की उल्टी करके मर गए क्योंकि विशुद्धि गले में है। अगर ये बिगड़ गई, तो ऐसा ही होगा। और शिव का गला नीला है क्योंकि पूरा जहर यहां पर है। जहर या विष को सिर्फ मार देने वाला ही नहीं समझना चाहिए। सांप या दूसरे विषैले जीव अपने अंदर जहर लिए घूमते हैं क्योंकि वही उनके जीवन का आधार है, उनका भोजन, उनका भरण पोषण, और यही उनका अस्तित्व है। बात बस इतनी है कि दूसरे जीव उसे संभाल नहीं पाते, बस इतनी सी बात है। तो घड़ी की उल्टी दिशा में जाना और तंत्र की प्रैक्टिस हमेशा जुड़े हुए हैं। तंत्र विद्या का मतलब है भौतिक ऊर्जाओं से काम लेने का एक दूसरा आयाम।
कुछ ऐसे कि ये अनुकूल हो सकता है या अनुकूल नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम सिर्फ ऊर्जा के भौतिक आयाम से काम कर रहे हैं। वो रहस्यवाद के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आध्यात्मिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी नहीं आएगा। तो घड़ी की उल्टी दिशा में किसी भी शक्तिशाली स्थान के इर्द गिर्द घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना मूल रूप से उस बारे में है। माटोटिपीला सीधा आपके कंठ पे लगता है। इसका झुकाव तीव्रता से जबरदस्त तीव्रता के साथ विशुद्धि की ओर है, लगभग शिव के कंठ की तरह, जो कोई भी माटोटिपीला के आसपास रहा उसकी विशुद्धि का सक्रिय होना तय था। दिव्यदर्शी खोज या विजन क्वेस्ट की ये पूरी परंपरा बस माटोटिपीला के इस एक आयाम की वजह से बन सकी। ऐसे पारंपरिक वैद्य थे जो अपनी विशुद्धि की शक्तियों का आनंद लेते थे, इतना कि हर कोई उनसे डरता था। जहां पर भी विशुद्धि है वहां स्वाभाविक रूप से बिना शरीर वाले जीव एकत्रित होंगे।